आज भारतीय उद्योग जगत की इच्छा है कि भारतीय रेलवे में व्यापक बदलाव लाए जाएं और वो इसके लिए सुझाव भी दे रहे हैं। भारतीय बिजनेस घरानों और रेलवे में संबंध को और बेहतर और त्रुटि रहित बनाने के लिए विचार मंथन चल रहा है। मुख्य सजेशन जो पीएचडी चैम्बर ने दिया है कि ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए और जो ट्रैक्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे डिपार्टमेंट के पास है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें कैसी चल सके। खासतौर से एक सजेशन ये भी आया था कि डबल डेकर ट्रेन जो और देशों में चलती हैं वो हिंदुस्तान में भी चलनी चाहिए, जो कि एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है उसी में कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल हो सकती है। और जो सैटेलाइट टाउन्स हैं जहाँ के लिए टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, चाहे वो आगरा हो, चाहे जयपुर हो, चाहे चंडीगढ़ हो, यहाँ पे कनेक्टिविटी और बढ़नी चाहिए। आज भारतीय रेल करीब 27 लाख टन माल रोजाना ढोता है, फिर भी 300 से लेकर 400 किलोमीटर तक यही माल रोड द्वारा भेजना ज्यादा सस्ता पड़ता है। भारत के जीडीपी का 14% हिस्सा फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च किया जाता है। ऐसे में भारतीय उद्योग जगत ऐसा बदलाव चाहता है कि माल की ढुलाई सस्ती और देश के हर कोने में पहुंच सके। एक फ्रेट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रेलवे में, जिसको कि पैसेंजर से ज़्यादा कंपेयर किया जाता है, बट एक इंडियन रेलवेज ने एक बहुत बढ़िया ही काम किया है कि फ्रेट की क्वांटिटी बढ़ा बढ़ा के 10 साल में कोई अपना रेट नहीं बढ़ाया उन्होंने पैसेंजर ट्रैफिक में, जबकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। और इस वक्त रेलवेज बहुत हाई ग्रोथ फेज के अंदर जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल अचीव करना चाहती है। फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं वो लोग, उस फ्रेट कॉरिडोर में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रहेंगे और पूरे फ्रेट कॉरिडोर के थ्रू आउट इंडस्ट्रियल टाउनशिप आने वाली है। दिल्ली से मुंबई का फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, 7 हब बनने वाले हैं। अगर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मिला तो जो एग्जिस्टिंग ट्रैक्स हैं उस पर वो फ्रेट गुड्स ट्रेन नहीं चलेंगी, गुड्स ट्रेन दूसरी ट्रैक पे चलेंगी, तो इस ट्रैक के ऊपर पैसेंजर की ट्रेन ज़्यादा चल पाएंगी। पैसेंजर की ट्रेन ज़्यादा चलेंगी तो हमें सर्विसेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा अच्छी मिलेगी और उनकी स्पीड भी बढ़ने की संभावना है। भारतीय रेल देश का बहुत बड़ा सरकारी उपक्रम है और उद्योग जगत की इच्छा रेलवे से मिलकर प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के तहत कई प्रोजेक्ट्स को अंजाम देने की हो रही है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत हद तक बल प्रदान करेगी। भारतीय उद्योग रेलवे में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए भी आतुर है। हम चाहते हैं कि आप अलग अलग तरीके के सिस्टम्स लेके आइए, एलिवेटेड रेल कॉरिडोर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ लेके आइए, स्पीड अपनी बढ़ाइए। जैसे अभी हमने एक प्रपोजल दिया कि आप अपनी जो रेलवे लाइन है, आप एक कहलाता है एंटी ट्रेन कॉलिजन सिस्टम, अगर वो लगा देते हैं, हर 9 किलोमीटर के बाद सिग्नलिंग होने की वजह से स्पीड को स्लो करना पड़ता है, वो करना बंद हो जाएगा। हमारी जो इंडस्ट्री है वो जहाँ तक हो सके इसमें इंक्लूड हो, और ये जो नया इनिशिएटिव आ रहा है ट्रेन कोलिजन सिस्टम का, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी लगे उसके अंदर मैक्सिमम इंडियन पार्टिसिपेशन हो, मगर ये जल्दी से जल्दी। कोई शक नहीं कि भारतीय रेल ने कई कदम उठाए हैं। उद्योग जगत की सलाह है कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को पर लगाने हैं, रेलवे में व्यापक बदलाव किए जाने चाहिए।